अब अग्रवाल, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर वन शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत कुर्स की जंग से करते हैं। कुर्स की जंग में यूक्रेन को बड़ी बढ़त मिली है। कुर्स के विश्वेवका पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। 1530 वर्ग किलोमीटर कुर्स पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो पुतिन कुर्स पर बड़े हवाई हमले की प्लानिंग ही करते रहे और गुरुवार की सुबह यूक्रेन ने इसका जवाब भी दे दिया। यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के 3 एयरबेस को टारगेट किया। यूक्रेन ने 2 ऐसे एयरबेस को निशाना बनाया जहां फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बड़ी तैनाती है और यूक्रेन पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। रूस को चौंकाते हुए यूक्रेन ने एक बार फिर 2000 किलोमीटर दूर तक अपने ड्रोन को पहुंचाया है। यूक्रेन के नए ड्रोन से साबित हो गया है कि यूक्रेन अब सिर्फ जंग में ही नहीं बल्कि हथियारों को बनाने में भी रूस से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। भेदी हवाई कवच का गुमान एक बार फिर खत्म। दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस S-400 फिर नाकाम। रूसी आसमान में फिर गरजे यूक्रेन के ड्रोन और तबाही की तस्वीरों की नई सीरीज ने दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस सच छिपा सकता है, तबाही का आंकड़ा छिपा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए रूसी जमीन पर धधकती आग बता रही है कि तबाही का ग्राफ फिर बहुत बड़ा है। रूसी सेना का पूरा ध्यान इस वक्त अपने ऑयल डिपो को सुरक्षित बनाने पर था, लेकिन इसी बीच गुरुवार का सूरज निकलने से पहले ही रूस के 3 एयरबेस को यूक्रेन ने टारगेट किया। यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में मरिनोव का एयरबेस को निशाना बनाया। इसके अलावा निज़्दी नोवगोरोद के स्वास्लेई का एयरबेस पर एक बार फिर हमला हुआ। मुर्मांस्क मंचेगोर्स्क एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की गई। कहां कितनी तबाही हुई इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। लेकिन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि वोल्गोग्राद के मरिनोव का एयरबेस पर कई धमाके हुए। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक मरिनोव का एयरबेस पर ड्रोन हमले में तेल के गोदाम और हथियार डिपो को भस्म कर दिया गया। आपको हमलों की डिटेल बताएं उससे पहले यूक्रेन के नए प्लान के बारे में जान लीजिए। कुर्स्क ऑपरेशन में यूक्रेन अगर कहीं कमजोर साबित हो रहा है तो वो है हवाई ताकत। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर लगातार बमबारी की जा रही है। आगे और भी बड़े हमले की तैयारी है। बस रूस के इसी प्लान ने यूक्रेन को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन ने रूस की हवाई ताकत को खत्म करने का अभियान छेड़ा है। रणनीति के तहत रूस की एयरबेस पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। बुधवार की देर रात 3 एयरबेस पर अटैक की कोशिश हुई। यह प्लान यूक्रेनी शहरों को सुरक्षित बनाने का भी है। कुर्स्क में बफर जोन जिस मकसद से बनाया जा रहा है, मरिनोव का एयरबेस पर हमला उसी मकसद से किया गया है। मरिनोव का एयरबेस का इस्तेमाल यूक्रेनी शहरों पर बमबारी के लिए किया जा रहा है।
यहाँ एयरक्राफ्ट्स के अलावा हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। उसी हथियार गोदाम को उड़ाने का दावा अब यूक्रेन कर रहा है। अब इसी एयरबेस से कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर कहर बरपाने का प्लान था। यूक्रेनी सीमा के करीब होने की वजह से इस एयरबेस को टारगेट किया गया ताकि कुर्स्क पर हवाई हमले के प्लान को नाकाम किया जा सके। दावे के मुताबिक यूक्रेन के हमले में हथियार का गोदाम भस्म होने के साथ कई मिग फाइटर जेट भी नष्ट हो गए हैं। तो देखिए, यहां पर पहला हमला गुरुवार की सुबह करीब 3:30 पर किया गया। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर मरिनोवका एयरबेस था। यहां कई धमाके हुए, नुकसान इतना हुआ इसका खुलासा फिलहाल नहीं है, लेकिन हमले के वक्त कुल 30 एयरक्राफ्ट बेस पर मौजूद थे और 8 सैन्य ट्रक भी थे। मरिनोवका एयरबेस यूक्रेन की सीमा से करीब 275 किलोमीटर दूर है, इसलिए यूक्रेन के कई ड्रोन इस इलाके में आसानी से पहुंचने में कामयाब रहे। अगला हमला रूस के निज़्नी नोवगोरोद इलाके के सवास्तलेइका एयरबेस पर हुआ। यूक्रेन का दावा है कि यहां 3 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, जबकि धमाकों की वजह से 5 एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हुए। मुर्मांस के मंचेगोर्स्क एयरबेस को भी दहलाने की कोशिश हुई। यूक्रेन ने एक एयरक्राफ्ट को ड्रोन में तब्दील कर दिया है। यूक्रेन के नए प्रयोग से रूस को काफी हैरानी हुई है। यूक्रेन ने छोटे विमान को ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया और विमान रिमोट की मदद से उड़ता हुआ यूक्रेनी बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर तक पहुंचने में कामयाब रहा। रूस को हैरान करने वाला ये वीडियो देखिए। हवा में उड़ रहा है एक छोटा एयरक्राफ्ट और रूसी फौज इसे गिराने के लिए फायरिंग कर रही है। आमतौर पर ऐसा 2-सीटर विमान ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस विमान में होने वाला धमाका देखिए। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने छोटे से एयरक्राफ्ट को ड्रोन में तब्दील कर दिया है और इसी वजह से यूक्रेन से करीब 2000 किलोमीटर दूर तक हमले की कोशिश मुमकिन हुई। यूक्रेन का एयरक्राफ्ट वाला ड्रोन मुर्मांस्क के करीब गिराया गया। अगर ये ड्रोन गिराया नहीं जाता तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये इलाका युद्ध के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। ये इलाका यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। रूस के मुर्मांस्क प्रांत में ओलेनिया एयरबेस है, यही मंचेगोर्स्क एयरबेस भी है। यही नहीं, रूसी नौसेना के ओलेनिया एयरबेस से महज 92 किलोमीटर की दूरी पर कोला पेनिनसुला का एटमी सेंटर भी बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट मंचेगोर्स्क एयरबेस था। इस इलाके में रूस ने कई एयर डिफेंस की तैनाती की हुई है, क्योंकि यूक्रेन जुलाई में यहां हमला करके रूस को चेतावनी दे चुका है। 27 जुलाई को यूक्रेनी ड्रोन ने मुर्मांस्क प्रांत के ओलेनिया नेवल बेस पर हमला किया था। दावा किया गया है कि ओलेनिया नेवल बेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी वायुसेना के 42 विमान राख हो गए। इस हमले के ठीक 2 दिन बाद यानी 29 जुलाई की रात रूस ने मुर्मांस्क एयरफील्ड पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस अटैक में भी रूस का एक Tu-22M3 बम वर्षक तबाह हुआ। इसके अलावा यूक्रेन स्वास्तलेइका एयरबेस पर हमले की कोशिश में है। स्वास्तलेइका एयरबेस पर भी कई ड्रोन धमाके हुए। इस एयरबेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और रूस इसे बचाने में नाकाम हो रहा है। स्वास्तलेइका एयरबेस पर MiG-31 विमानों की तैनाती है। यहां IL-76 विमान भी मौजूद रहते हैं। अब तक 2 हमलों की सीरीज में 5 एयरक्राफ्ट नष्ट किए जा चुके हैं। पहला हमला 13 अगस्त को किया गया। ड्रोन अटैक में फ्यूल डिपो में आग लग गई और एक MiG-31 भस्म हो गया। इसके बाद फिर 16 अगस्त को हमला किया गया। 3 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, 2 IL-76 भी नष्ट हो गए। जुलाई में यूक्रेन पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस को भी दहला चुका है। हमले में रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए थे।
वहीं 26 जुलाई की शाम को सारातोव एयरबेस पर 3 MI अटैक हेलीकॉप्टर भस्म कर दिए गए। 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रजान प्रांत पर अटैक किया गया। इस हमले में रूस के Tu-22M3 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की कोशिश है कि जल्द से जल्द रूस की हवाई ताकत को खत्म कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।